Hey viewers, welcome back to my channel। और आज मैं हूँ हुसैनगंज में और यहाँ बन रही गुजिया और घर पे हम लोग पापड़ बनाए एंड नमक पारा मैं बना के आई हूँ। और नमक पारा की रेसिपी मैं कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आपको कमेंट कीजिएगा तो मैं फिर से शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए गुजिया तली जा रही, इतनी गुजिया बन गई है। और ये देखिए भुर्रा एंड ये गुजिया बना बना के हम लोग रख रहे हैं। एंड एंजल आज बनाएगी चॉकलेट गुजिया, जिसके लिए उसने चॉकलेट को अभी खोल लिया, ओपन कर लिया, थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दो। और मैदा थोड़ा सा कम हो गया तो भाभी और सानने जा रही हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी बन रही है। और ये भुर्रा की रेसिपी, मतलब मैं अपनी, जब मैं अपने लिए कल, मेरी कल गुजिया बनाएंगे तो उसकी उसमें मैं डाल दूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और एंड मैदा भी हम कैसे सानेंगे सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी तो मैं फटाफट यहाँ बनाती हूँ। एंड ये लीजिए एंड, हम लोग की सारी गुजिया बन गई थी। तो लास्ट में मैंने एक कटोरी भुर्रा जो था मैंने वो बचा के रख लिया था। एंड उसमें हम लोग कैडबरी चॉकलेट डाल रहे हैं। तो ये 4 से 5 चॉकलेट थी जिसको भाभी मेल्ट कर रही हैं। एक्चुअली इसको कद्दूकस करना था बट मुझे जल्दी थी तो भाभी जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे गोमती नगर भी जल्दी जल्दी आना था, क्योंकि यहाँ पे भी काम थे, मैं बच्चों को लेके नहीं गई थी। और बस इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चॉकलेट सिरप। उसके बाद मैंने इसमें अच्छी क्वान्टिटी में चॉकलेट सिरप डाल दिया है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे जिद करें चॉकलेट गुजिया खाने की, तो आप लोग ऐसे बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड बस मैं फटाफट अब गुजिए को भर लूँगी। वैसे मैंने जो और पहले बनाया था तो मैंने अलग अलग शेप दिया था, बट आज मैं सेम उसी सांचे में बनाऊँगी चॉकलेट गुजिया भी, क्योंकि बच्चों का मन है और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो मैं फटाफट भर के बना रही हूँ और ये एंजल वीडियो बना रही है जो कितना कैमरे को हिला रही है। पाँच से छः गुजिया बनी थी। तो ये देखिए हम लोग ने डीप फ्राई कर दी एंड एक गुजिया लग रहा है फूट गया है, बाहर निकल आया, तो जिसकी वजह से सारी गुजिया पे चॉकलेट की लेयर चढ़ गई है। और ये देखिए मेरी नित्या जो कि सो रही थी, अब उठ के आई है, इनको गुजिया बहुत अच्छी लगी है। और बस इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैंने खाई गर्म गुजिया, बहुत टेस्टी थी। और कल हम लोग बनाएंगे, तो अभी मैं तुरंत निकल रही हूँ, बस फटाफट हो गया। हुसैनगंज से हम आ गए और मैं थोड़ी सी थक गई थी, मैं लेट गई थी क्योंकि मेरी स्लिप डिस्क बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है अगर मैं 2 मिनट भी खड़े हो जाती हूँ। बट मैंने कैसे वो बनाया नमक पारा बता नहीं सकते। और मैंने मतलब किचन में स्टूल रखी हूँ, जब थोड़ा सा दर्द होता बैठ जाते हैं। और अभी मैं कल बनाना है मुझे गुजिया, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट मैं भून रही हूँ, जिसमें कि काजू, बादाम, मगज, किशमिश, इन सबको मैं देसी घी में भून ले रही हूँ। क्योंकि भूनने से ये होता है कि अगर आपका गुजिया थोड़ा ज़्यादा दिन तक बचता है तो वो अंदर से ख़राब नहीं होता, इसलिए आप ड्राई फ्रूट भून के डालिएगा। और एक ट्रिक है जो मैं डालूँगी जिससे कि मेरी गुजिया फटेगी नहीं, तो आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, अभी मैं उसको भी करूँगी। एंड मेरे बेटे को मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ मैं दिखा रही हूँ, मैंने नमक पारा जो बनाया है। ये तो ये देखिए मेरा नमक पारा और भी बन गया है। और ये देखिए लंबा लंबा एंड बहुत बहुत ज़्यादा डार्क हम लोग नहीं करते हैं, पतला पतला लंबा लंबा। और बहुत ही इजी तरीके से इसका मैदा साना जाता है। अगर आप लोग को जानना हो तो मैंने पूरा फुल वीडियो इसका डाला है नमक पारे का, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा तो मैं ज़रूर डालूँगी। नमक पारा बन गया। अब ये मतलब जो
फिलिंग भरनी है गुझिया में, उसकी मैं तैयारी अभी ऑलमोस्ट मैं कर लूँगी, तो कल मेरी गुझिया बननी ही बननी है जितनी जल्दी हो सके। आलू का पापड़ भी मैंने बना लिया था, तो चिप्स पापड़ हो गया, मेरी भाभी ने बनाया है चावल का सेव, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको चावल का सेव कैसे बनता है जिस तरीके से जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर डालूंगी। मैं होली के बाद भी बना के आपको ज़रूर आप शेयर करूंगी, सॉरी आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी भाभी ने बनाया है। तो और ये जो मैंने नमक पारा बनाया है, बस मेन इसमें होता मोइन और नमक। हमारे नमक बहुत ज़्यादा डार्क नहीं खाते, ओके ओके खाते हैं, क्योंकि जब आप नमकीन इतना डालते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ में नमक ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ओके ओके। एंड मोइन हम लोग इतना डालते हैं कि 1 किलो मैदे में 250 ग्राम घी का मोइन डालिए, या तो आप रिफाइंड का डालिए, बस ये होता है क्वांटिटी, 1 किलो मैदे में 250 ग्राम परफेक्ट मोइन होता है। आप लोग ऐसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसमें नमक अजवाइन डाला, नमक मैं मैदे में डाल के मिक्स करके टेस्ट कर लेती हूँ हल्का सा, उसके बाद मोइन डालती हूँ एंड गुनगुने पानी से आटा सान के प्लेटफॉर्म पे बेल के इसको तलती हूँ, तो ये बन जाता है नमक पारा बहुत इजी तरीके से। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ चना, चने का नमकीन, जो सॉरी मटर का नमकीन, जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैंने कभी भी नहीं बनाया, देखते हैं कैसा बनता है। तो पहले चलो उसके लिए मैंने क्या कर लिया वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने मटर सुबह भिगोया था, तो ये हरे मटर से भी बनता है बट मैं पीली वाली मटर से बना रही हूँ। और मैंने इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दिया था, इसको भिन इनके अच्छे से कर लिया, और एक मैं थोड़ा ज़्यादा ही मैंने कर लिया। तो ये देखिए मैंने 1 कप पानी डाल के इसको 1 सीटी होने तक उबाल लिया है बस, ताकि इसके छिलके ना हटे। एंड ये देखिए गल गया है एकदम जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ है। और ये बस इसको मैं थोड़ा सा, तब तक मैं दूसरा भी उसको भी उबालूंगी एंड इसको 1 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दूंगी, जब तक इसका पानी हल्का सा सूख ना जाए। तो पहले मैं इसका पानी छान लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसका पानी छान लिया है एंड इसको मैं कपड़े में थोड़ा सा फैला दूंगी। और मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, सिर्फ मैंने 1 कप पानी डाल के इसको उबाल लिया था 1 सीटी होने तक बस, और जब तक इसका प्रेशर कुकर निकले तब तक मैं उसका वेट करूंगी। एंड ये देखिए ये गल गया, बस इसका छिलका नहीं हटना चाहिए। पंखे के नीचे मैंने इसको रख दिया है, मतलब ये 15 से 20 मिनट हो गया, और ये देखिए पानी इसका मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अब मैं इसको जा रही हूँ तलने, और मस्टर्ड ऑयल में मैं इसको तलूंगी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने मटर बहुत ही थोड़ा तला, और बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ ना मार्केट से ही खा लेना चाहिए, सब कुछ घर में नहीं ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इस समय मुझे दर्द है तो मुझे और भी ज़्यादा टफ लग रहा है, तो मैंने जितना बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस मैंने इतना ही तला है, करीब ये 1/2 किलो होगा एंड बहुत मतलब थोड़ा सा मटर ही तलना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं तलना चाहिए। एंड देखिए इसमें कुछ क्रिस्पी हुए कुछ नहीं, आप आवाज़ से ही लग रहा होगा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा, मैं खड़ी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। और इसके बाद मैंने इसको तल लिया है अच्छी तरह लाल, एंड इसमें मैंने अमचूर मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, भुना हुआ जीरा एंड काली मिर्च, इतनी चीज़ें डाली है, तो बस ये मसाले डाले तो इतना ही मैंने बनाया है। और इधर मैंने कल ये सब्ज़ी बनाई थी जो कि हम लोगों ने खाई नहीं थी, नूडल्स आ गया था, और ये गर्मा गर्म चाय, पनीर में नमक, काली मिर्च, जीरा डाल के कभी कभी खाई, बहुत अच्छा लगता है, एंड रोटी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, एंड ये घुघरी है, तो मैं हुसैनगंज गई थी, भाभी ने बना के रखा था बट मुझे, मेरे पास खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो भाभी ने पैक करके दे दिया था, और भाभी ने पैक करके दे दिया था, तो बस अब हम लोग यही खाएंगे डिनर, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा, और पता नहीं कब ये ठीक होगा क्योंकि जितने लोग हैं सब बोल रहे हैं इसमें टाइम लगता है, और होली के टाइम इतना काम है, मुझे जितना रेस्ट करना उतना ही काम है। तो अब मैं कोशिश करूँगी एक्स्ट्रा और कुछ ना करूँ, क्योंकि मैं हर साल, पिछली बार मैंने उड़द दाल की कचौड़ी, मतलब मेरी देवरानी ने नई रेसिपी बनाई थी, बट इस बार मैं ये मटर सोची थी और भी तलूँगी, बट
अब मैं नहीं करूँगी, मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया है उबला हुआ ही एक बॉक्स में करके, तो वो ख़राब नहीं हुआ तो मैं उसको छोला बना लूँगी। तो वापस आते हैं हम लोग अपना डिनर करने। और ये जो हरी मटर होती है उसको छील के सुखा के उससे भी ये बनता है, शायद उससे ज़्यादा अच्छा बने, नो आइडिया, बट मैं नहीं ट्राई करूँगी। मैंने पीनट भून के रख लिया है। मैं हर साल नमकीन बनाती हूँ, वो भी चने की दाल को भी उसको तलना होता, वो भी मैं नहीं तलूँगी, बस मैं बेसन का सेव एंड पीनट भुना हुआ उसमें सारे मसाले डाल दूँगी। तो जब मैं बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर खाने, उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से। सुबह से हम लोगों ने पापड़ बनाया, फिर नमक पारा, फिर मैं गई हुसैनगंज एंड आने के बाद जितना ड्राई फ्रूट है कट करके कल की भी तैयारी कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है जो मुझे दर्द हो रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और अचानक से इतना भयंकर दर्द होता है। जिन लोगों को हुआ हो या भगवान ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उन लोगों को पता होगा कि इसका दर्द क्या होता है। तो ये देखिए मेरा खोआ अच्छे से भुना हुआ है और इधर है सारे ड्राई फ्रूट। एंड एक चीज़ मैं आपको बता रही थी जिससे कि आपकी गुजिया फटेगी नहीं, वो है मखाना, जो कि मखाना कल्हार के देसी घी में हम लोग ने इसको पीस लिया है। तो वो भी हम लोग ने मतलब 2 किलो खोआ होगा हमारा और 1.5 किलो ड्राई फ्रूट होगा और गरी अरी मिला के गरी लच्छेदार है हम बउआ। और मखाना हम लोग ने 50 ग्राम ही डाला होगा। तो ये देखिए अब सारे ड्राई फ्रूट जो कि अच्छे से कल देसी घी में मैंने कल्हार लिया था। और ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, किशमिश, मगज, चिरौंजी, इतनी चीज़ें हैं। एंड गरी का लच्छा है कम से कम 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं, हम 0.5 किलो लेके आए थे जिसमें से मैंने थोड़ा सा बचाया और पूरा डाल दिया है। अब इसमें पड़ेगी शक्कर, पिसी हुई शक्कर, भुद्रा शक्कर होती है जो कि मैं लेके आई हूँ, वो इसमें पड़ेगा। परू है और इधर भुर्रे की तैयारी हो रही है। तो परू ने मेरा मोबाइल लिया एंड कवर्ड सब कुछ का वीडियो बनाया है, पता नहीं ऑन किया था कि नहीं, ऑन किया था परू। ये मम्मी लड्डू बना रही है, क्या बोल रही थी परू? परू परू इसको कह रही है मम्मी ये लड्डू बना रही हैं और बड़ी मम्मी ये तमाल रखी हैं और अभी परू बैठ गई हैं। तो पहले हम लोग मैदा सानेंगे और इसमें हम लोग डालडा घी या देसी घी का मोहन डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। जब तक कि अच्छे से घी मिक्स ना हो जाए तो 1 किलो मैदे में 250 ग्राम देसी घी या आप जो भी मोहन जिस चीज़ का डालिए, हम डालडा और देसी घी का मिक्स डालते हैं एंड बस उसको अच्छी तरह मिला के गुनगुने पानी से सान लेना है। मैदा सन गया था, हम लोग ने रख दिया था और उसकी हम लोग छोटी छोटी लोई बना के भगोने में रख देते ताकि लोइयाँ सूखे ना। और उसकी छोटी 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 लोई बना के पहले इधर देखिए जो ही लोई बना रही हूँ उधर मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी बन जाएगा। तो ये देखिए इसको बेल रहे हम। ये इतनी गुजिया बन गई है एंड ये गीले कपड़े में हम लोग इसको रखते हैं ताकि सूखे ना गुजिया। तो गमछे को गीला करके निचोड़ दिया गया एंड ये देखिए इतनी गुजिया बन गई है, इसको ढक दे रहे। और उधर और बन रही है, परू खा रही है आइसक्रीम। क्या खा रही हो परू? क्या खा रही हो? अच्छा है, अच्छा है।
ये देखिए मैं पहले सबसे छोटू सा पहला बना रही हूँ एंड और डालूंगी अब। और इधर अथक ब्लैक की दे रहा है, ये नाव अथक। क्या हो गया, क्या हो गया परू को, क्या हो बउआ? तो जल्दी लाल हो रहा है, तेल ज्यादा, बंद कर दियो। फाइनली मेरा भुजिया बन गया, मतलब हम लोग 2 बजे से बैठे थे, 10:30 बज गया कंटिन्यू और बिल्कुल हाथ नहीं रुका। और गैस में भी मतलब बनता ही गया। पहले मैंने मतलब 20 भुजिया बना ली थी, उसके बाद जूह ही बेल रही थी और मैं भर भर के तलती जा रही थी, मतलब भर भी रही हूँ, तल भी रही हूँ, भर भी रही हूँ, तल रही हूँ। टोटल 3 किलो का हम लोगों ने बनाया था। तो ये देखिए हमारी भुजिया बनी है और सब हम लोग ने रख दिया है। हाँ भुजिया बन गई है। परू परू बता दीजिए, यहाँ मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो परू रूम से भाग के आ गई हैं, है ना? हाँ। और अब हम लोग को कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा, बट आज इनका व्रत है दोस्त, तो मैं अभी बनाऊंगी इनके लिए पकौड़ी। अभी ये थोड़ा बाहर आ जाए, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इनके लिए पकौड़ी। और मैंने नूडल्स मंगाया था वो रखा है, तो और ये मैदा का जो भुजिया बना उसका भी सना हुआ, तो मैं जाने बच्चों के लिए चाउमीन रोल बनाने, बहुत बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऑयली 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 मन एकदम, इसलिए मैंने सबसे पहले पूरा घर क्लीन किया, झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि रात हो गई थी, पोछा लगाया। एंड जहाँ बैठ के हम लोग बना रहे थे वो गर्म पानी से अच्छे से धुलाई की, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता और मेरा बिल्कुल मन भर गया। मुझे नहीं लगता मैं 2-3 दिन भुजिया खाऊँगी। वही सेम चीज़ बनाइए, तलिए और 6-7 घंटे लगातार बैठ के बनाइए तो बिल्कुल मन भर जाता है। और बस अब चार दिन के लिए पकौड़ी की मैं तैयारी करूँगी। और मैं बिना, मैंने उसकी रेसिपी डाली है, बिना आलू वाली मैं बनाती हूँ, आलू का लच्छा बनाती हूँ, सिंघाड़े के आटे, ये सब डाल के मैं इनके लिए पकौड़ी बनाती हूँ, चटनी में बना के रखती हूँ। तो और लेकिन इस समय बिल्कुल कुछ भी बनाने का मन नहीं हो रहा, बट बच्चे भी भूखे हैं, तो बस मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए पराठा बनाऊँगी एंड नूडल्स रोल बनाती हूँ बच्चों को दूँगी। तो बस चलते हैं। वैसे मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट मैं आज खा ले रही हूँ क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं और कुछ बनाने की। और रोल भी बहुत टेस्टी बना है क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह धीमी आँच में सेक लिया है। और ये जो लच्छे वाला मैं पकौड़ी बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, एकदम सिंपल सा है। आलू को कद्दू कस कीजिए, अच्छी तरह धुलिए, निचोड़ लीजिए एंड उसमें आप, जैसे मैं इतना बनाती हूँ इनके लिए, तो आधा नींबू का रस डालती हूँ 4 आलू में मीडियम साइज के, एंड धनिया मिर्च नींबू का रस, सिंघाड़े का आटा एंड सेंधा नमक जीरा, और कुछ भी नहीं। और छोटे छोटे पीसेस में आप इसको तलिए और जितना कुरकुरा और उसके सॉरी इतना ज़्यादा कुरकुरा बनता, क्योंकि मैं 5 से 6 बार बना चुकी हूँ बट मैंने कभी नहीं किया, आज मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ, बहुत टेस्टी। तो इनको यही पसंद है, मैं उबले हुए आलू को बनाती हूँ तो कह नहीं मुझे ये बनाओ, मेरे लिए यही बनाते हैं। आपको जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर पसंद आएगा। वो टेंशन में नहीं होगा, अगर कोई अकेले व्रत है
तो आप कद्दूकस कीजिए फटाफट आलू और तल के बनाइए, जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने से जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बना है। लेमन का रस जरूर डालिएगा। तो अब मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं हल्का सा भी चल रही हूँ तो मेरा दर्द मेरे फेस पे दिख रहा होगा, वो तो बैठ के गुजिया बनाना था तो मैं 8 घंटे लगातार बैठ के मैंने बना लिया, बट मैं थोड़ा सा खड़ी हो रही हूँ तो दर्द हो रहा है। तो बस मैं अब इंजॉय करती हूँ अपना ये रोल। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन पर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय।